मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कांटर ब्लॉग्स। एंड गाइस अभी हो रहा है सुबह का 11:10 और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को मेरी एंड मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी का सीन तो चला, अभी पापा और मैं जा रहे हैं ताऊ जी के यहाँ दोनों, मतलब बहुत टाइम तो गया भी नहीं था, मैं पापा तो जाते रहते, मैं नहीं गया था, मैंने चलो हम भी घूम के आते हैं। यहाँ पर ये देखो पापा को बटा रहा है, पापा को पप्पियाँ दे पड़ा है क्योंकि ये जाना चाह रहा है हमारे साथ और हम लेकर नहीं जाएंगे भाई साहब, आपको नहीं ले जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यार ये ड्रामा है ना, पहले हम अपनी बाइक रख देते हैं वहाँ कोचिंग में और फिर वहाँ से लेकर आनी पड़ती है। आखिरकार भाई साहब आ चुके हैं यार, तू हर जगह डांस मत करा करो, गंदा लगता है। देखो यार दिन में भी मम्मी ने लॉक लगा के रखा है यहाँ पर, दिन में कौन थी चोर। गाइस फाइनली निकल तो चुके हैं और चलो पेट्रोल लड़वा लेते हैं पहले। यार गर्मी ने हद कर दी, देखो आज इतनी गर्मी है, मॉनसून जाते इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है ना कि घर से निकलो वैसे ही पसीना आ जा रहा है। एंड गाइस देखो इन गड्ढों की वजह से हमारी गाड़ी हो चुकी है ख़राब। ख़राब क्या हो चुकी है पता क्या हुआ इसमें, इसकी चेन उतर गई है बीच रास्ते में। अब यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है कि यहाँ सही करा पाएँ। पापा कहाँ पर हैं यहाँ पता नहीं, आप भाई इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ बीच रास्ते में खड़े हम, चेन उतर गई, कल रात में मैंने सही कराई थी, टाइट नहीं कराना भूल गया बस मैं। इस पापा कहना शायद आगे जाकर कोई मैकेनिक मिल जाए तो वहीं सही कराएंगे। पता नहीं यार चेन उतर क्यों जा रही है इसकी, अभी नहीं पड़वाई है चेन इसमें, ऐसे भी नहीं कि पुरानी चेन है, नई चेन पड़वाई तब भी ये हाल है भाई, गंदी भी तो देख रहे हो कितनी हो रही है। बीच रास्ते में इनको मजे सूझ रहे हैं, मेरे चश्मा लगा के आराम से भैया, वो देखो वाह गाड़ी किस पे, अब मैं गाड़ी छोड़ जाऊँ, केयर ही नहीं है किसी चीज़ की भाई, केयर ही नहीं है ठीक है। एंड गाइस देखो यार ख़त्म हो गया यार गर्मी में, आवाज़ देखो मतलब ये होता है ना है, ये होता है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल हो तो कुछ और ख़राब हो जाएगा और वैसे कोई चीज़ ख़राब ना हो तो फिर पेट्रोल नहीं होता गाड़ी में। तो भाई ये हाल है भाई, ये देखो बिल्कुल भाई उन्होंने इतनी शराब पी ना क्या ही बताऊँ, ये देखो अरे ये देखो तो हमारी हेल्प करने कौन आया भाई, हिमांशु भाई आए हैं। दुकान वकान रख लिया करो यार मैकेनिक की घर के बाद, तो यहाँ पे जुमा है आज, दुकान बंद कर रखी है उनने। एंड गाइस अब जाना पड़ेगा पैदल पैदल बहुत आगे, वहीं सही हो पाएगी। ये देखो यार कितने सारे हेल्पिंग हैंड्स मिल रहे हैं हमें यार, अब भैया हमें टो करके घर तक लेकर जाएंगे। देखो भैया मिले थे टो करने के लिए लेकिन उनके बस में था नहीं कि वो टो कर पाए और हम अभी भी गर्मी में पैदल पैदल चल रहे हैं, आज के बाद से नहीं आऊँगा, गलती कर दिया अगर आएगा आज के बाद से बिल्कुल नहीं आऊँगा भाई। रोना आ रहा है क्या बताऊँ। एंड गाइस वो देखो वो है ताऊ जी का घर, आइए हमें ये पूरा घूम के ऐसे करके वो तब वहाँ पहुँचेंगे। फाइनली यहाँ पहुँच के अपनी चेन वेन सही कर ली और देखो यहाँ दोनों दादा भी और भाभी भी मिलकर आराम से पेड़ पे अमरूद तोड़ रहे हैं, मस्त अपना भाई साहब को देखो ये बिना चप्पल के घूम रहा है, चल सीधे अंदर शक्तिमान। ये देखो भाभी की मेहनत, इतने सारे अमरूद तोड़ के लाए हो आप हमारे लिए। ये तो वैसे बेकार है ये तो। एंड गाइस देखो अब तक घूमना वूमना तो हो गया और अब चलते हैं घर को। बहुत सारी मजाक बना दी हमारी मम्मी ने, मेरी बहुत ज़्यादा मजाक बनाई और चलो मैं नहा धो लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हूँ और आज अच्छा अच्छा प्लान है क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है ना तो कहीं जाने का भी प्लान है, तो फिर आगे देखते हैं पूरा ब्लॉग देखना ठीक है। नाना दोनों हो चुका है और थोड़े बाद बादल आ चुके हैं, धूप कम हो चुकी है अपनी। एंड भाई साहब नहा रहे हैं अभी भी, इससे लोग खाना पीना खा लेते हैं और आज खाने में बनाया अपना क्या, ये मम्मी कौन सी है, कौन सी सब्जी है, उड़द की दाल की खिचड़ी और ये चटनी है मूंगफली वाली और ये अपना दही चीनी एंड ये पूड़ी और ये अपना घर का प्योर घी और ये क्या है, ये आलू के छिलके और ना लौकी के छिलके और आलू की सब्जी। हाँ आलू तो भैया बताइए ब्रांड एम्बेसडर डाल दूँ। नाना पीना खाने के बाद में चला गया था कोचिंग एंड अभी आया हूँ और अभी क्या थोड़ी देर पहले ही आ गया था और अभी रात का 8 बजने वाला है, अभी बजा नहीं है और अभी का जैसे कि मैं स्टार्टिंग बता रही कि आज हमारा कहीं जाने का प्लान है तो हमारा पता है कहाँ जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर। मैं आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा भाई, लेकिन आज के दिन ना जन्माष्टमी के दिन
समझ लो कि वहाँ की जो डेकोरेशन के लिए ना लोग आते हैं दिल्ली से, और समझ लो कितनी कितनी यूनिक डेकोरेशन होती होगी सारे मंदिरों से। चलते वहाँ घूम के आएंगे मस्त अपना। गाइस देखो हमारे वाले मंदिर की भी डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, तो अभी शायद निकलते हुए जाएँ वहाँ से, जब आएंगे ना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखो बुआ तैयार होकर आराम से खड़े हुए हैं, और चार घंटे तैयार हो आप। चलो कोई बात नहीं, हमने आज आपको सॉरी फॉर, हमने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया आज, सॉरी सॉरी। अरे हमारे कुछ भी मतलब कुछ भी, देखो बुआ एंड देख रहे हो आज ना ही हम स्कूटी लेकर जा रहे हैं और ना ही बाइक, आज जा रही है अपनी जो मेरी वाली बाइक है ना पल्सर, वो लेकर जा रहे हैं। एंड गाइस निकल तो चुके हैं पर गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं है, देख लो देख लो। एंड गाइस देखो बागियाई रोड पे हम पहुंचे हैं, और कितना भाई कितनी भीड़ है, कितनी भीड़। अभी तो आगे को जा रहे हैं हम लोग, और देखते हैं अभी तो बहुत मजा आने वाला है आगे, आगे तो अभी बहुत भीड़ होगी। वो जाने भी देंगे नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे, लाइन में लग के सब लाइन में लग के जाएंगे भाई नियम के साथ। एंड गाइस देखो यहाँ पे चप्पल रखने का सिस्टम कुछ ऐसा है, सब लोग मतलब एक एक ब्लॉक में, ब्लॉक बने ना बहुत सारे, उसी में डाल दे रहे हैं नंबर लिखे हैं सभी सारे ब्लॉकों को। ये देखो एंट्री अभी खुली हुई है, अभी खुली हुई है, अभी खुली हुई है। अरे बंद हो गई हमारी वाली यार, ये भैया ने बंद कर दिया, मोटू मोटू भैया ने। अरे बच्ची को तो जाने दो। एंड गाइस देखो अभी फिर से जो गेट है ना ये खुलने वाला है, देखो खुला 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 खुल गया खुल गया। चलो भाई हमें एंट्री मिल गई, लोग देख रहे हो कैसे भाग कर जा रहे हैं। चलो भाई श्रद्धा होती है अपनी अपनी। ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है। गाइस ये देखो यहाँ पर कह रहे हैं आगे बढ़िया आगे बढ़िया, दर्शन तो करने दो। ये देखो हनुमान जी और यहाँ पर राम जी और सीता जी। चलो भाई चलो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं हल्के हल्के बढ़ेंगे ना। एंड गाइस मैं डेकोरेशन की बात कर रहा था आप लोगों से, देख रहे हो कितनी प्यारी डेकोरेशन है। अरे अंकल जी कितनी प्यारी लग रहे हैं, 50 लाख व्यक्ति सुबह से गया, 50 लाख व्यक्ति अभी। फुल सिक्योरिटी का मतलब पूरी पूरी सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी। जो कुर्ते पजामा पहने ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा, लाइट ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने अंकल लोग, ये सब सिक्योरिटी वाले हैं सारे सिक्योरिटी। इनका अभी हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्योंकि साइड में ये जो डीजे बजाना है ये साइड में ही है। पूरी मंडली आई है, ये जो आंटी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर भजन वगैरह, भाई मस्त लग रहा है बिल्कुल मस्त। देखो हम लोग ही बाहर को आ गए हैं, एग्जिट आज इधर से नहीं है, आज इधर से जाना है बाहर। कितना छोटा सा गेट है भाई, सभी लोग यहीं से जा रहे हैं सभी लोग। गाइस ये देखो प्रसाद में मिले हैं 2 लड्डू। गाइस चलो अपनी गाड़ी उठाते हैं पार्किंग से, फिर चलते हैं घर को। गाइस अगर हर्षिता दिव्यांश आए होते ना तो पक्का कहते हैं कि हमें झूले में झूलना, लेकिन आए नहीं है, उनको लेकर आऊँगा एक दो दिन में लेकर आऊँगा जब भीड़ भीड़ कम हो जाएगी। एंड सारी मम्मियाँ एक अपने एक और बार बेटे की बात सुन लो भाई, जो जो चीज़ें लेनी है बाकी प्यारी मंदिर में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो ये देखो चूड़ियाँ तक हैं। वो तो मेरी मम्मी आई नहीं, वरना मेरी मम्मी खरीद लेते पक्का, मेरी दोनों मम्मियाँ खरीद लेती कुछ ना कुछ। तो सभी मम्मियों को मैं कह दे रहा हूँ, सूचित कर दे रहा हूँ अभी से आ जाना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। घूमना तो मस्त हो गया बिल्कुल, सबको मज़ा आया, मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया नहीं मज़ा आया, इसको क्या ही मज़ा आएगा, ये तो फ़ोन में लगी रहती है अपना। एंड चलो अब निकलते हैं घर को, गाड़ी वाड़ी है जिंदा है अपनी, हाँ भाई जिंदा है अपनी गाड़ी। घर पहुंच चुके हैं हम लोग, तो गाड़ी मैंने पार्क कर दी अपनी, चलो अब चलते हैं घर को।
फाइनली घर पहुंच चुके हम लोग और आज डिनर में बना अपना पनीर की सब्जी क्योंकि आज जन्माष्टमी थी इसलिए, और रायता, रायता आज कम बचा है मेरे लिए, मम्मी रायता कम बचा है मेरे लिए आज, सही चलो कोई बात नहीं। और आप बनिए पूड़ियाँ, पता अभी तक तो हम लोग अगर दसवीं पिछले साल हमने मनाई थी जन्माष्टमी दादी जी तब, पता रात 12 बजे तक हम जागते रहे और मतलब पूरी बारात में 12 बजे पूजा करने के बाद खाते रहे, लेकिन इस बार अब दादी नहीं है तो अब वैसे ही खाना पड़ रहा है। हाँ, एक साल तक नहीं व्रत वगैरह कुछ नहीं, पूजा वगैरह कुछ नहीं होती मंदिर में हमारे। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। गाइस अरे और रियल बाहुबली ना, हां जी भाई, इसको बताओ।